तो मैं दर्पण स्वागत करता हाँ तुहाडा तुहाडे अपने कोचिंग सेंटर दे अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर च। जिदा कि तुहानू पता है कि मैथ दे चार लैक्चर आपां लगा चुके हैं। उन्होंने चौवें लैक्चर का लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देता है, जे कोई लैक्चर मिस है तो तुसीं उत्थों प्रिपेयर कर सकते हो। आपां कर रहे हैं पंजाब के सारे एग्जाम्स की तैयारी, ठीक है। स्पैशली आपां पंजाब पुलिस से फोकस कर रहे हैं, उहदे जिहड़े चैप्टर्स ने मैथ दे वो पहला कर रहे हैं। तो इस विषय के पेश है अज साडा पंजवां लैक्चर। अज आप सीखांगे दशमलव वाली तकसीम। देखो दशमलव वाली जमा घटाओ, दशमलव वाली गुणा तो आप पहले ही सीख चुके हैं, हूँ अपनी वारी है दशमलव वाली तकसीम सीखने की। यो बेसिक्स ने जिन्हों सीखे बगैर तुसी पंजाब पुलिस के प्रॉपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है जी। सब तो पहला आप डिस्कस करांगे कि दशमलव वाली जो आप तकसीम करनी है वो रूल की आ, वो नियम की आ। जे नियम तुहाडी समझ आ गए फिर तुसी बड़े आराम नाल जिहड़ा अगला काम है कर सकते हो। तो मैं तुहानू एक एग्जाम्पल दे के समझाना है। मान लो मैं तुहानू कहां कि 2.36 ये दशमलव जै इनू तुसी बटे च बदलो, फ्रैक्शन च बदलो, भिन्न च बदलो, किस तरह बदलोगे, ये चीज़ा सीखनियां बहुत जरूरी हैं। अगर ये चीज़ा समझ आ गई तो फिर तो अगे बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा जहा मुश्किल हो जाएगा। हुण देखो रूल समझाना तुहानू। अगर पॉइंट तो बाद दो अक्षर ने तो नीचे 100 लग जाएगा, 100 लग जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट तो बाद एक अक्षर है, मान लो मैं 2.3 बदलना हो भिन्न विच तो थले लग जाएगा 10, ठीक है जी। तो किसी भी फ्रैक्शन नू 10 है भी नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा दिखा दिना है। देखो मान लो 1.234 मैं तुहानू कहां कि यह दशमलव दे विच है तो इनू तुसीं बदलो फ्रैक्शन दे विच, भिन्न दे विच, बटे दे विच, किद्दां बदलोगे। देखो आपां सिर्फ यह गिनना हुंदा कि पॉइंट तो बाद किन्ने अक्षर ने। रूल ये कहिंदा कि अगर पॉइंट तो बाद एक अक्षर है तो बटे दे विच 10 लगा दो, पॉइंट तो बाद दो अक्षर ने बटे तो बटे च 100 लगा दो, पॉइंट तो बाद 3 अक्षर ने बटे च 1000 लगा दो, एंड सो ऑन। जे 4 अक्षर ने 10000 लग जाएगा, जे 5 अक्षर है 1 लाख लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके नाल तो मान लो मैं इस रकम नूं बटे तो मतलब जिहड़ा डेसीमल है ये तो फ्रैक्शन च बदलना हुण, तो मैं किद्दां करूँगा 1, 2, 3, 4 बटा 1000। हुण मैं थले 1000 ही क्यों लाया, ये मैं तुहानू दस चुका वा कि अगर 3 रकमां होण पॉइंट तो बाद डेसीमल तो बाद, जिदा कि देख रहे आपां कि 3 रकमां है, ठीक है, तो फिर बटे च 1000 लग जाता है, ठीक है जी। बस ये एक रूल अगर तुसीं समझ लिया, ठीक है, तो समझो समझ आ गया। एक रूल होर मैं दस दिना, वो मैं अगे दसांगा। वैसे क्वेश्चन शुरू कर दे आपां। ए देखो पहला क्वेश्चन की आ, पहला क्वेश्चन हैगा कि आपां 256 तकसीम करना है जी 0.16 दे नाल। ये मैं तुहानू पिछली वीडियो दसता सीगा कि अगर पॉइंट तो पहला कुछ नहीं है तो 0 अपने कोलों लाई जा सकती है, नहीं भी लाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को इदा भी लिखा कि 256 तकसीम 0.16 तो भी एक ही गल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुण देखो मैं हुणे समझाया तुहानू कि अगर तुहाडा पॉइंट तो बाद दो अक्षर है तो तुसीं की करोगे, थले 100 लगाओगे। ए लगाता आप थले 100, पहला काम तो आप करता। तो इतने आप रूल नंबर 1 अप्लाई किया वा कि पॉइंट तो बाद अगर दो अक्षर ने तो नीचे तुसी 100 लगाओगे। एक रूल सारे समझ आ गया। चलो हुण अगला रूल डिस्कस करते हैं। अगला रूल ये कहता है कि अगर तुसी तकसीम की जगह पर गुना पा देंदे हो तो आ जिहड़ी अगली रकम हुंदी है ये बिल्कुल उल्ट जाती है, ठीक है जी। जिहड़ा मेरा 16/100 सीगा वो मेरा बन गया 100/16। क्यों? क्योंकि जिहड़ी आ तकसीम सी उहनूं मैं गुणा च बदलता है, बिना गुणा च बदले डेसीमल वाली फ्रैक्शन नूं हल नहीं किया जा सकता, ठीक है। जे तुसीं इह ध्यान नाल समझ लो, हालांकि आप 10 क्वेश्चन घट तो घट करांगे, 8-10 क्वेश्चन करांगे, तुहानूं होर बैटर समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये समझो कि पहले स्टैप दे विच जिहड़ा मैं आह वाला स्टैप किया है इह मैं 0.16 की जगह पर 16/100 लगाता, ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो बाद दो अक्षर ही तो मैं थले 100 लगाता। अगले स्टैप दे विच जिहड़ा मैं आह स्टैप किया है ये मैं तकसीम जिथे सीगा उहदी जगह पर गुणा पाता, आ देखो, ठीक है। तकसीम नूं गुणा च बदलदे ही ये रूल है कि जो अगे अगे लिखिया वा जिद्दां 16/100 लिखिया ये उल्टा हो जाएगा, 16/100 बन जाएगा 100/16। हुण बस तो यदि कटिंग करनी है, जे तो तुहानूं 16 का भाड़ा आउंदा है 16 * 16 = 256 तो ठीक है, नहीं तो तुसीं 256 नूं 16 नाल तकसीम कर सकते हो, ये तुहाडा आंसर फाइनल आ जाता है 1600, ठीक है जी, ये तुहाडा आंसर है। चलो अगला सवाल ट्राई करते होर बैटर समझ आएगा तुहानूं। देखो अगला सवाल है जी 560 इनू तकसीम करो 2.80 दे नाल। हुण देखो पॉइंट तो बाद फिर किन्ने अक्षर ने, दो अक्षर ने, पॉइंट तो बाद फिर दो अक्षर ने,
तो आप की करांगे, पहला स्टेप तो यही करांगे कि जिहड़े पॉइंट तो बाद दो अक्षर है उसकी जगह पर थले लावांगे जी 100, क्योंकि मैं तुहानू पहले दस चुका है कि जे पॉइंट तो बाद दो अक्षर है थले 100 ला दो, जे पॉइंट तो बाद 3 अक्षर है थले 1000 ला दो, इदां ठीक है जी। चलो अगे की करना, हुण देखो तकसीम की जगह पर पा दो गुणा, ठीक है, तो इनू कर दो उल्ट, यानी कि उल्टा करता इनू। देखो फिर मैं उही कीता जो पिछले स्टेप कीता सीगा, तकसीम की जगह पर गुणा पाता तो मेरा 280/100 जिहड़ा सी वह बन गया 100/280। ए जीरो ना ए जीरो कट्टी गई, हूँ आप फ्रैक्शन वाली गुणा कर रहे जो मैं तुम्हें पिछले लैक्चर से सिखा चुका वा। ये लैक्चर प देखने तो पहला हो सके तो चौवें लैक्चर देख लो, क्योंकि उन्होंने ही कॉन्सैप्ट ये कम आने ते। चलो आप कटते हैं जी 2 ते 14 2 28 तो 28 2 56, ठीक है जी। 2 कटता हूँ आप 14 कटते हैं, 14 1 14 14 2 28 तो 2 100 गुणा करिए आ जाता है 200, ठीक है जी। इस तरीके फ्रैक्शन वाली तकसीम करनी है, हाले आप कुछ होर सम करांगे जिन्हें तुम होर ज़्यादा बैटर समझ आएगा। अगला सवाल देखो, इन्होंने कहा वा कि 450 यानी 450 तकसीम करना है 1.50 के नाल, तो मैं अगला स्टेप की करांगा, तुम समझ ही गए हो गए कि 450 मैं तकसीम करांगा हूँ 150/100 के नाल। हूँ फिर तो मैं थले 100 क्यों लाया, क्योंकि पॉइंट तो बाद 2 अक्षर सी, इस देख सकते हो तो 1.50 है ना, पॉइंट तो बाद 2 अक्षर है तो मैं थले 100 लगाता। अगला स्टेप मेरा की होएगा कि 450 हूँ मैं गुणा करांगा 100/150 के नाल, क्यों, क्योंकि मैं तकसीम की जगह पर गुणा पाऊँगा एंड जो भी तकसीम तो अगे दिता उन्होंने उल्ट कर दूंगा। हूँ मैं सिर्फ कटिंग करांगा किदा, ए जीरो ना ए जीरो कट गई, ठीक है, 15 1 15 15 3 45 तीन सीधा 15 के भाड़े से कटता, तो ये चाहो तो इन 5 के भाड़े से भी कट सकते हो या फिर 3 के भाड़े से भी कट सकते हो, वो ताड़ी मर्जी है। जे तुहानू भाड़े चंगी तरह आते हैं, 15 का भाड़ा चंगी तरह आता है, तो 15 1 15 15 3 45 सीधा हिसाब है। हूँ तुम बस 3 100 ना गुणा करनी है एंड ये आ जाना है 300 आंसर आ गया, ठीक है जी। चलो अगे ट्राई करते हैं, हो सकता पॉइंट पिछे दिता हो, जिदा इस समझ दिता है कि 1.2 तकसीम करना वा आप 144 नाल। देखो रूल उही रहना है, जो मर्जी हो जाए रूल उही रहना है, इनू मैं लिखूँगा 12/10 तकसीम 144। जे 144 थले कुछ नहीं है मैं 1 भी पा सकता वा, भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हूँ क्योंकि पॉइंट तो बाद 1 अक्षर ही मैं थले 10 लाता, देखो ना 1.2 तो पॉइंट तो बाद 1 अक्षर सीगा, तो मैं नीचे की लगाता 10 लगाता, क्योंकि पॉइंट तो बाद 1 अक्षर हो नीचे 10 लगता है, यही मेन रूल है। जे तुम यही याद कर लिया तो समझो क्लीयर है। दूसरा रूल जिहड़ा है वह भी मैं दस दिना है, दस ही दिता वैसे ऑलरेडी, कि तकसीम की जगह पर गुणा पाना है एंड इनू उल्ट कर देना है। आ देखो उल्टा करता, ठीक है, 1/144 करता। हूँ जे तो भाड़े आते हैं तो तुम कट सकते हो, चलो मैं इनू 2 कट देना, थोड़ा सौखा कर देना, 2 6 12 72 2 144, ठीक है। फिर 2 कटता है, 2 3 6 तो 2 कट के आ गया 36। हूँ मैं 3 कट्टूंगा, 3 1 3 तो 12 3 36। हूँ उपर देखो 1 1 1 बच गया, तो थले जोड़ा 12 का है 120 बच गया, तो 1/120 आंसर आ गया है। ये सिंपल गुणा है, फ्रैक्शन वाली गुणा है, जी मैं तुम्हें लैक्चर नंबर 4 सिखाई है, मैं बार बार कह रहा, अगर वो लैक्चर नहीं देखा तो जाके देख लो, वो नहीं देखोगे फिर यह भी प्रॉपर समझ नहीं आना, तुम्हें कटिंग ही समझ नहीं आनी। उस मैं कुछ सम करवाए हैं जिद कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने तो भी पहला तुम्हें टेबल यानी कि पहाड़े चंगी तरह याद होने चाहिए आ, फिर ही कटिंग कर सकते आप। चलो अगे चलते हैं, हूँ दोनों च तकसीम देता है अपना पॉइंट देता है, 1.56 तकसीम 0.3, देखो दोनों के ही पॉइंट देता वा, तो भी कोई गल नहीं रूल उही रहना वा। इनू मैं लिखूँगा 156/100, ठीक है जी, पॉइंट तो बाद 2 अक्षर है ना, थले 100 ला देंगे। तकसीम इनू मैं लिखूँगा 3/10, ये दरअसल पॉइंट देने, देखो ध्यान नाल 1.56 आप डिवाइड करना है, तकसीम करना है 0.3 के नाल, यानी 0.3 के नाल। चलो अगे की होगा वह भी तुम्हें पता ही है, हम 156/100, ठीक है, गुणा 10/3, मैं फिर उही किया वा, तकसीम की जगह पर गुणा पाता वा, ठीक है, तो यदि कटिंग कर लगा वा। हूँ तकसीम की जगह पर गुणा पा के इन पहला उल्टा किया मैं, देखो ना 3/10 मेरा बन गया 10/3। हूँ देखो ए जीरो ने जीरो कट्टी गई, 3 के भाड़े के 156 कितने आता है, जे तुम्हें पता है तो ठीक है, नहीं तो रफ कम से 156 3 तकसीम करके देख लो, ये आएगा तुहाडा 52 52/10 आ गया, ठीक है। इनू भी तुम कट सकते हो, 26 2 52
ते पंजो दूनी दस। चलो जी आंसर आ गया 26/5, ये तुहाडा आ गया जी आंसर। ठीक है जी, इस तरीके नाल तुसी ये वाले सवाल भी कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। इहदे विच भी दोनों पासे तकसीम है, हुण मैं इहनूं सीधा लिखण लगा 225/100 तकसीम 15/10। क्यों मैं लिखा इदा, क्योंकि देखो आएगा 2.25, पॉइंट तो बाद दो अखर है थले 100 लाता, आएगा 1.5, पॉइंट तो बाद एक अखर है थले 10 लाता। आ गया समझ? चलो इन उल्टा करके कट कर दें, 225/100 गुना 10/15। हुण करो इहदी कटिंग किस तरह, आ जीरो ना जीरो कट गया, ठीक है जी। हुण 225 ते 15 नूं आपां 5 दे पहाड़े ते कटदे आ, 5 × 3 = 15, ते इहनूं 5 दे पहाड़े ते कट्टीए ते आइंदा तुहाडा 5 × 4 = 20 ते 5 × 5 = 45। जे तुहानूं कट्टणा नहीं आउंदा तुसीं तकसीम कर सकदे हो, सेम चीज़ है। इत्थे देखो 3 × 3 = 15, 15 × 3 = 45। तकसीम जदों आपां कटिंग करदे हां उहदे रूल तुहानूं दस चुका है कि उपर वाले नूं थले वाले ने कटना है, थले वाले नूं उपर वाले ने कटना है, उपर उपर वाला या थले थले वाला आपस नहीं कट्टिया जा सकता। ये मैं पिछली वीडियो से क्लीयर करता सी। होर कि कटिंग होंगी है, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, तो टोटल मिला के तुहाडा आ गया 3/2, ये तुहाडा इहदा आंसर है। चलो अगला सवाल ट्राई करते हैं। अगला सवाल है जी, 15 तकसीम करो 2.25 ना, तो मैं इनू पहले इदा लिखदा 15, मैं इनू तकसीम करूँगा 225/100 ये नाल, ठीक है जी 225/100, क्योंकि फिर पॉइंट तो बाद दो अखर ही मैं यदा 225/100 बनाता। हुण मैं करूँगा तकसीम की जगह पर गुना पाऊँगा तो इनू करूँगा उल्ट, ये बन जाएगा मेरा 100/225। बस यदि कटिंग मैं कर दूँगा जो बहुत सौखी है, 5 से कटूँगा पहला 5 × 3 = 15, ठीक है 45 × 5 = 225 होंगे, फिर 3 × 3 = 15 × 3 = 45। हुण सिर्फ 100 ते 15 की कटिंग रह गई है, ये तुसीं 5 दे भाड़े आराम नाल कर सकते हो, 20 × 5 = 100 ते 5 × 3 = 15, तो तुहाडा आंसर आ गया 20/3। तो इस तरीके ने इहदा भी आंसर आ गया है। एक सवाल मैं होर करवा दिंदा है, ठीक है, फिर दो सवाल तुहानूं मैं घर वास्ते दे दिंदा है, जे तुसीं उह सॉल्व करके कमेंट सैक्शन च कमेंट कर दोगे तो मैनूं समझ लग जाएगी कि तुहाडा सॉल्व हो गया है। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन होर करदे हां। इह क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है गए 2.99 तकसीम 1.7, तो इनू मैं पहले इदा लिखूंगा 299/100 तकसीम 17/10। देखो ना 2.99 वाले केस च पॉइंट तो बाद दो अखर ही मैं 100 लाता, तो 1.7 वाले केस दे विच पॉइंट तो बाद एक अखर ही मैं थले 10 लाता। हुण मैं उल्ट कर दा वा, 299/100 × 10/17, इहदी भी कटिंग पॉसीबल है, ऐ 0 ना 0 कट दो, 17 × 17 = 17, 17 × 2 = 99, होर कटिंग हुंदी नहीं है, तो तुहाडा 17/10 ही आंसर आ जाता है। ठीक है जी, ये तुहाडा आ गया आंसर। आई होप तुहानूं ये समझ आ गया होएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सैक्शन च लिख दो, ठीक है। तो इस तो बाद दो क्वेश्चन तुहानूं मैं होमवर्क वास्ते देन लगा वा। एक तो क्वेश्चन हैगा जी आ, इस तुसीं 2.56 नूं मैनूं तकसीम करके विखाउणा है 0.496 नाल। कटिंग थोड़ी लंबी होएगी पर सवाल बिल्कुल सौखा है। एक सवाल तो ही ए करके दिखाना है, यदा स्क्रीनशॉट ले लो, एंड दूसरा सवाल जरा करके दिखाना है वह है आ, ठीक है। 2197 तकसीम करना वा तुसी 0.13 दे नाल, ऐ तुहाडा क्वेश्चन नंबर 2 आ जिहड़ा तुसी सॉल्व करना है। ये वीडियो इत्थे खत्म हुंदी है, मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं हुण डेसीमल वाली जिहड़ी फ्रैक्शन है, डेसीमल वाली जिहड़ी डिवाइड है, यानी कि भिन्न वाली जिहड़ी तकसीम है, ये चंगी तरह समझ आ गई होएगी। जिहड़े लैक्चर मैं पंजाब पुलिस दे बना रहा वा या पंजाब दी गवर्नमेंट दी तैयारी, पंजाब गवर्नमेंट दी तैयारी दे बना रहा वा, ये बेसिक्स दे लैक्चर ने। पहला तुहानूं ये बेसिक समझ आणगे, फिर आपां एडवांस वाले भी डिस्कस करांगे, ठीक है। ये किए बगैर जे तुसीं सोचदे हो कि तुसीं एडवांस कर लोगे, ये उन्ना ही नामुमकिन है जिन्ना ABC सीखे बगैर कोई सेंटेंस बनाना, ठीक है। कोई भी बच्चा ये गलती ना करे कि डायरैक्ट कोई होर चैनल खोल के एडवांस दे सम कर लपे। हाँ, जे तुहाडे बेसिक्स बिल्कुल क्लीयर है फिर तुसीं ओह कर सकदे हो एडवांस दे सम डायरैक्ट, नहीं तो फिर नहीं कर सकते, ठीक है जी। इस वीडियो इन्ना ही है, आई होप कि तुसीं ये दो क्वेश्चन के आंसर मैनूं कमेंट सैक्शन च कमेंट करके दस दोगे। इस तरह की होर भी वीडियोज़ देखने लिए साढ़े चैनल में लाइक कर दो, ताकि असी तुहानूं होर भी इस तरह की वीडियोज़ प्रोवाइड कर दिए। इस वीडियो में लाइक कर दो, थोड़ा हौसला वधे साडा, फिर असी होर वधिया लैवल ते कोशिश शुरू करिए जे तुहाडा रिस्पोंस वधिया आंदा है। तो ठीक है जी, अज्ज की वीडियो इन्ना ही है, नमस्कार।